जनता समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 10 दिन से ज्यादा कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के कारण उन्हें संसदीय वोट से भी हटाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह को 10 दिनों में हटाए जाने और प्रदेश में नया सीएम बैठाने का दावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने किया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की संसदीय बोर्ड से हटाने के पीछे भ्रष्टाचार बताया है। बता दें कि शनिवार को कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा देवास जिले के सोनकच्छ में थे। वे वहां प्याज और लहसुन के किसानों के हक की लड़ाई को लेकर किए जा रहे जन आंदोलन में शरीक होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे शिवराज सिंह पर निशाना साध रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड से कुछ लोगों के नाम हटा दिए गए जिसमें शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी का नाम शामिल है। आप लोगों को जानकारी नहीं है कि पिछले कई दिनों से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भोपाल से डेरा डाले हुए थे। उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा है कि शिवराज के राज में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, वहीं बांध फूट रहा है, कहीं किसान दुखी हैं। और ये समझ लो कि आरएसएस के इशारे पर मैं समझता हूँ कि किसानों की हाई कलाब मध्य प्रदेश को लगी है। 10 दिन से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह सकेंगे, मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। वहीं सज्जन सिंह ने नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किए जाने पर कहा कि नितिन गडकरी दृष्टिकोण वाले नेता हैं, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री का मटेरियल है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें हटवा दिया। उन्हें लगा कि ये मेरी कंपटीशन में है। इसमें से दो महत्वपूर्ण लोगों के नाम हटा दिए गए हैं जो संसदीय बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, एक तो शिवराज चौहान का और एक गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब का। तो शिवराज चौहान, आप लोगों को जानकारी में नहीं है, पिछले 8 दिनों से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भोपाल में डेरा डाले थे। उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा है कि किस तरह शिवराज के राज में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, कहीं बांध फूट रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं किसान दुखी है। तो ये उन्होंने 8 दिन में अपनी आंखों से देखा है। तो ये समझ लो कि आरएसएस के इशारे पर, मैं समझता हूँ कि ये किसानों की हाई कलाब मध्य प्रदेश के लगी हो, 10 दिन से ज़्यादा शिवराज चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री बदला जाएगा। नितिन गडकरी साहब का सवाल है, नितिन गडकरी को इसलिए हटाया कि नितिन गडकरी एक दृष्टिकोण वाला नेता है, बीजेपी में मैं जिसकी तारीफ करता हूँ, एक विजन वाला नेता है। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री का मटेरियल है नितिन गडकरी, इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने, उनको लगा कि ये मेरी कॉम्पिटिशन में, उसको हटा दिए। शिवराज को तो ठीक है। आज की खबर और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।